इस बग की बड़ी खबर मयूर विहार दिल्ली इलाके के फेसबुक से आ रही है, जहां पर बीच बाजार में एक कॉमर्शियल कार लोगों को रोनती हुई नजर आई है। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया है। मयूर विहार फेसबुक से उपेंद्र सिंह तोमर की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई है यहाँ पर अभी? जैसा कि हमने देखा भाई, हम उस टाइम रियान इंटरनेशनल स्कूल पे थे, हमने देखा कि एक गाड़ी की तेज रफ्तार चली आ रही है और जो लोगों को मतलब जो भी सामने आ रहा है उसको कुचलती जा रही है, जिसके आगे कोई अपने आप पर नियंत्रण नहीं था। मेरी मम्मी और सिस्टर मेरे साथ थी, उसको मैंने खींच के पीछे किया। मैंने अपनी आंखों से देखा किसी लेडीज के सर पे गाड़ी चढ़ा दी उसने, किसी बच्चे का पैर तोड़ दिया उसने, जिसकी कोई तादाद नहीं थी स्पीड की और वो सिर्फ भगाया ही जा रहा था। अब मुझे नहीं पता कि वो ड्रिंक करा हुआ था या किस नशे में था, लेकिन वो गाड़ी को भगा ही जा रहा था। और उसके गाड़ी भगाने के उससे कम से कम मैं बता रहा हूँ, पूरे मार्केट में 8 से 10 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका कि अभी हॉस्पिटलाइज हो गए और वो हॉस्पिटल में हैं, उनके परिजन उनके पास पहुँच गए। हम जो है यहाँ पर शुरू से लास्ट तक हैं। अब पुलिस गाड़ी को ले गई है और जो दुर्घटना करने वाला व्यक्ति था, ड्राइवर था, उसको पुलिस लाल बहादुर हॉस्पिटल पहुंचा चुकी है। जी, हमने अभी तक ये देखा, टक्कर मारी है, उसको पकड़ लिया गया है। हाँ, उसको पकड़ लिया गया है, उसके साथ एक और कोई साथ में था बंदा, दोनों को पकड़ लिया गया है और दोनों को ले जाके हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। यही गाड़ी यहाँ पर खड़ी है टक्कर मारी? नहीं, वो गाड़ी स्टॉप करके ले जाई जा चुकी है, वो गाड़ी ले जाई जा चुकी है। हाँ, वो गाड़ी ले जाई जा चुकी है। अब ड्राइवर और वो जो साथी था उसके, वो पुलिस कस्टडी में है। बाकी पब्लिक को बहुत हताहत हुई है इसके।